वीडियो में हम डी फार्म के फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स के फिफ्थ चैप्टर दैट इज टैबलेट के सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने डेफिनेशन ऑफ टैबलेट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स, एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट्स एंड कोटेड टैबलेट्स को डिटेल में कवर किया था। और अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं एंड फ्री में पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अनकोटेड टैबलेट्स को एकदम ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, पिछले लेक्चर में हमने कोटेड टैबलेट्स को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया था। कोटेड टैबलेट्स मतलब क्या होते थे? ऐसे टैबलेट्स जिनके ऊपर कोई ना कोई कोटिंग हो, कोई ना कोई लेयर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो अनकोटेड टैबलेट्स होते हैं, अनकोटेड टैबलेट्स ऐसे टाइप के टैबलेट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी लेयर या कोई भी कोटिंग प्रेजेंट नहीं होती। जैसा हमने कोटिंग टैबलेट में देखा था, कोटेड टैबलेट में देखा था जैसा हमने कि जब कोई भी टैबलेट होता है, जो अगर कोई कोटेड टैबलेट हुआ तो उसके ऊपर शुगर कोटिंग होती है, एंटेरिक कोटिंग होती है या फिर अलग अलग टाइप्स के कोटिंग होती है उसके ऊपर। लेकिन जो हमारा अनकोटेड टैबलेट्स होता है ये एकदम सिंपल टैबलेट्स होता है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ड्रग्स एंड एक्सीपिएंट्स होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता है इनके ऊपर, कोई भी टाइप की कोटिंग नहीं होती है इनके अंदर। द अनकोटेड टैबलेट फॉर्मुलेशन कंप्राइजेस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स एंड एक्सीपिएंट्स। अ टैबलेट इज यूजुअली कंपोज ऑफ 5-10% ऑफ ड्रग्स, 80% ऑफ एक्सीपिएंट्स एंड अदर कंपाउंड्स विच एंश्योर इजी डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट्स इन द स्टमक और इंटेस्टाइन। सो अनकोटेड टैबलेट जो होते हैं, यानी कि जो हमारे पास सिंपल टैबलेट्स होते हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स एंड एक्सीपिएंट्स के मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं। और इन टैबलेट के अंदर लगभग 5-10% ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं और लगभग 80% एक्सीपिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सीपिएंट्स का मतलब क्या होता है। एक्सीपिएंट्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी वो अपना असर नहीं दिखाता है। लेकिन ये जो एक्सीपिएंट्स होते हैं वो कोई भी डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो ये जो हमारे अनकोटेड टैबलेट्स हैं, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स और एक्सीपिएंट्स के मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जिनको हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। एक्सीपिएंट्स होते हैं ये एक टाइप के, तो ये सब भी प्रेजेंट होते हैं जो कि टैबलेट को हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में अच्छे तरीके से डिसॉल्व करने का, अच्छे तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए ये मदद करते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसेसिंग ऑफ अनकोटेड टैबलेट्स को देख लेते हैं। ये हमें देखना है कि अनकोटेड टैबलेट्स आखिर बनता कैसे है। तो देखिए, कभी भी कोई भी जो टैबलेट्स होता है वो हमारे पास तो एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है एक टैबलेट के फॉर्म में, लेकिन उसके पहले उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हुए होते हैं। जैसे कि जो कोई भी ड्रग्स होता है वो ड्रग्स पहले पाउडर फॉर्म में होता है, उस पाउडर फॉर्म को हमें ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है और उस ग्रैन्यूल्स को हम क्या करते हैं, टैबलेट कंप्रेशन मशीन के ज़रिए हम टैबलेट में कन्वर्ट करते हैं। यही सब हमें देखना है कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं एक टैबलेट को बनाने के लिए। सबसे पहले हमें देखना है कंप्रेशन के बारे में। दो टाइप के कंप्रेशन होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट कंप्रेशन और दूसरा होता है कंप्रेशन आफ्टर ग्रैन्यूलेशन। कंप्रेशन आफ्टर ग्रैन्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई कोई टैबलेट्स क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, उनको हम पहले कन्वर्ट करते हैं ग्रैन्यूल्स में और फिर उस ग्रैन्यूल्स को हम कन्वर्ट करते हैं टैबलेट्स में। लेकिन डायरेक्ट कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, जो पाउडर होता है उसके अंदर हम तुरंत कोई ना कोई एक्सीपिएंट्स मिला देते हैं और उसके बाद तुरंत हम टैबलेट कंप्रेशन मशीन के ज़रिए उसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है, डायरेक्ट कंप्रेशन में हम कभी भी ड्रग को ग्रैन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं और जो कंप्रेशन विद ग्रैन्यूलेशन होता है, जैसा कि उसके अंदर नाम में लिखा है विद ग्रैन्यूलेशन, हमें पहले क्या करना पड़ता है, कोई भी ड्रग को ग्रैन्यूल में कन्वर्ट करना पड़ता है और उस ग्रैन्यूल्स को हम क्या करते हैं, टैबलेट में कन्वर्ट करते हैं। ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन होता है ये तो सिंपल होता है, इनके अंदर कोई भी पार्ट्स या कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं। लेकिन जो कंप्रेशन आफ्टर ग्रैन्यूलेशन होता है इसके अंदर दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, पहला होता है वेट ग्रैन्यूलेशन और दूसरा होता है ड्राई ग्रैन्यूलेशन। हमको ये सब एकदम डिटेल में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के बारे में देख लेते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग टैबलेट बाय डायरेक्टली कंप्रेसिंग द पाउडर्ड मटेरियल ऑफ ड्रग विथ सुटेबल एक्सीपिएंट्स।
जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया डायरेक्ट कंप्रेशन का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट कंप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है टैबलेट फॉर्मेशन का, जिसके अंदर हम डायरेक्टली ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स के जो पाउडर्ड मिक्सचर होते हैं उसे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, टैबलेट कंप्रेशन मशीन के जरिए कंप्रेस करके उसे एक टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। द सब्सटेंस विच आर क्रिस्टलाइन हैविंग फ्री फ्लोइंग नेचर एंड कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली कॉम्प्रेस इन टू द टैबलेट्स। इफ़ द ड्रग्स आर नॉट डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल देन दे आर मिक्स विद द सब्सटेंस विच कैन बी ईजीली एंड डायरेक्टली कॉम्प्रेस इन टू द टैबलेट्स। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके पास क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी हो, फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी हो एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी हो, तो ऐसे टाइप के सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, ऐसे टाइप के ड्रग्स को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉम्प्रेस कर देते हैं और उन्हें हम टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो प्रॉपर्टी होती है लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्सीपिएंट्स उस ड्रग के अंदर डाल देते हैं जो कॉम्प्रेसिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है, फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ कर देती है एंड क्रिस्टलिनिटी को इंक्रीज़ कर देती है, जिसके वजह से हम पाउडर को, ड्रग के पाउडर को एकदम आसान तरीके से विदाउट कन्वर्टिंग ग्रैन्यूल्स उसे हम टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसेस देख देते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड का। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ टैबलेट इज मिलिंग ऑफ ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स। आफ्टर मिलिंग द वेइंग एंड मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट टेक प्लेस। तो जो पहला स्टेप इन्वॉल्व होता है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में वो होता है किसी भी ड्रग्स एंड एक्सीपिएंट्स का मिलिंग। मिलिंग का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी ड्रग जब हम लेते हैं उस ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स को हम क्या करते हैं मोटार एंड पेसल में, जैसा कि आपको पता है मोटार एंड पेसल क्या होता है, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये आपने अपने कॉलेज के लेबोरेटरी में देखा होगा, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं उससे अच्छे तरीके से मिल कर देते हैं। मिल कर देना, मिलिंग करना मतलब उस ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स को हम और अच्छे तरीके से साइज उसका रिड्यूस कर देते हैं, एकदम यूनिफॉर्म कर देते हैं। सो ये फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में हम मिल कर देते हैं, मिलिंग करते हैं ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स का। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा ड्रग मिलिंग प्रोसेस से बाहर निकलता है वैसे ही वो ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स को हम वे कर लेते हैं, उसे हम वेट कर लेंगे, उसका हम उसको हम वज़न कर लेंगे, जितना हमें चाहिए होता है उतना हम वज़न कर लेते हैं। अब वज़न करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स होता है ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स को हम क्या करते हैं मिक्स करना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स को का मिलिंग किया, उनको हमने साइज़ एकदम यूनिफॉर्म कर दिया विद द हेल्प ऑफ मोटार एंड पेसल। फिर मिलिंग के बाद हमने क्या किया, उस ड्रग को और एक्सीपिएंट्स को उनका वेट किया, उनका वज़न किया जितना हमें चाहिए था। फिर वज़न करने के बाद हमने क्या किया, उस ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। देन द मिक्सड इंग्रेडिएंट आर डायरेक्टली कॉम्प्रेस इन टू द फॉर्म ऑफ टैबलेट विद द हेल्प ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन। सो जैसे ही हमारा अच्छे तरीके से ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स मिक्स हो जाता है सेकेंड स्टेप में, उस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, उस मिक्सचर को हम डायरेक्टली टैबलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये टैबलेट में कन्वर्ट होता है टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन से या फिर टैबलेट पंचिंग मशीन से। सो इस मशीन के हेल्प से हम पाउडर को, हम मिक्सचर को क्या करते हैं डायरेक्टली टैबलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो होप आपको जो डायरेक्ट कंप्रेशन का प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड को देखना है। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड इज़ इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस लेबर रिक्वायरमेंट। सो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है, इनके अंदर हमें ज़्यादा पैसा नहीं डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो लेबर रिक्वायरमेंट होती है, जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरा मेथड। सो जहाँ पे भी लेबर का रिक्वायरमेंट कम हो तो वैसे पे काम के अंदर जो पैसा लगता है वो थोड़ा कम लगता है कंपेरेटिवली। मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव ड्रग्स कैन बी कॉम्प्रेस्ड इन टू द टैबलेट्स बाय दिस मेथड। सो ऐसे ड्रग जो मॉइस्चर से ख़राब हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, एंड ऐसे ड्रग जो हीट से भी ख़राब हो जाते हैं यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के ज़रिए अच्छे तरीके से टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टैबलेट इज़ इम्प्रूव। सो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में कोई भी ड्राइंग या हीटिंग या कोई भी ऐसा वैसा स्टेप होता नहीं है, तो इसके वजह से जो टैबलेट का स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहता है और वो अच्छे तरीके से इंक्रीज़ भी हो जाता है।
पार्टिकल साइज यूनिफॉर्मिटी इज ऑब्टेंड। सो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में हमारे पास जो टैबलेट होता है उस टैबलेट के अंदर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का एक साइज यूनिफॉर्म होता है। इसका रीज़न क्या होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में मिलिंग किया था, सो मिलिंग प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज अच्छे तरीके से रिड्यूस हो जाता है, अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हमें डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड देखना है। द ड्रग्स विच डू नॉट हैव कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कॉम्प्रेस इन टू द टैबलेट्स। तो ऐसे ड्रग्स जिनके पास कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है, तो वैसे टाइप की ड्रग को हम डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के जरिए टैबलेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सम एक्सीपियंट्स आर कॉस्टली विच मे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ टैबलेट्स। तो कुछ कुछ टाइप के एक्सीपियंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, वो ड्रग से भी ज़्यादा महंगे होते हैं। सो वैसे टाइप के एक्सीपियंट्स को जब हम टैबलेट में यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, टैबलेट का कॉस्ट बढ़ना यहाँ पे मुमकिन हो जाता है। कलर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली इन द टैबलेट्स। सो जो कलर यूज़ करते हैं हम कोई भी टैबलेट्स के अंदर, टैबलेट्स के पाउडर के अंदर, सो वो जो कलर होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के अंदर। नेक्स्ट हम कंप्रेशन आफ्टर ग्रैनुलेशन को देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि डायरेक्ट कंप्रेशन में हमने क्या किया, डायरेक्ट कंप्रेशन में हमने जो भी पाउडर था, जो भी ड्रग था एक्सीपियंट्स का, उससे अच्छे तरीके से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमने उसे टैबलेट पंचिंग मशीन के जरिए टैबलेट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इस वाले प्रोसेस में, कंप्रेशन आफ्टर ग्रैनुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप आ जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी पाउडर होता है ड्रग एंड एक्सीपियंट्स का, उस ड्रग एंड एक्सीपियंट्स को अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं पहला तो। अब ग्रैन्यूल्स में जब वो अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, उस ग्रैन्यूल्स को हम क्या करते हैं, टैबलेट में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन। दिस इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस, कंप्रेशन आफ्टर वेट ग्रैनुलेशन एंड कंप्रेशन आफ्टर ड्राई ग्रैनुलेशन। सो कंप्रेशन आफ्टर ग्रैनुलेशन के अंदर दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, दो टाइप के मेथड होते हैं। पहला होता है कंप्रेशन आफ्टर वेट ग्रैनुलेशन एंड दूसरा होता है कंप्रेशन आफ्टर ड्राई ग्रैनुलेशन। सो सबसे पहले हम कंप्रेशन आफ्टर वेट ग्रैनुलेशन को देख लेते हैं। वेट ग्रैनुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉइस्ट ग्रैनुलेशन। This is the oldest and still most widely used method of tablet preparation. So wet granulation को हम moist granulation के नाम से भी जानते हैं। तो ये point बहुत ही important point है, क्योंकि exam में क्या होता है, आपको question दो type से आ सकते हैं। पहला तो ये पूछ लेगा कि explain wet granulation, या फिर ये पूछ लेते हैं explain moist granulation। सो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों का मतलब क्लियर होना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर वेट ग्रैनुलेशन पूछा तो भी आपको यही वाला लिखना है, और अगर मॉइस्ट ग्रैनुलेशन पूछ रहा है तो भी आपको यही आंसर फॉलो करना है। नेक्स्ट हम प्रोसेस देख लेते हैं वेट ग्रैनुलेशन का। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन वेट ग्रैनुलेशन इज वेइंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ ड्रग एंड एक्सीपियंट्स। इन सेकेंड स्टेप्स बाइंडर सोल्यूशन इज एडेड इन द मिक्सचर ऑफ ड्रग एंड एक्सीपियंट्स टू फॉर्म वेट मास। The wet mass which is formed in second step are sieved with the help of sieve to form wet granules. So wet granulation में हम क्या करते हैं कि जो भी drug होता है जिसे हमें granule में convert करना है, जिसे हमें tablet बनाना है जिसका, तो उस drug को हम क्या करते हैं, उस drug को पहले तो हम वजन कर लेते हैं, जितना हमें drug चाहिए होता है उतना हम उसे weighing machine के help से उसे weigh कर लेंगे, उसका हम वजन कर लेंगे। अब हमें जैसे ही ड्रग एंड एक्सीपियंट्स को वजन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस ड्रग एंड एक्सीपियंट को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देते हैं, यानी कि उसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देते हैं यूनिफॉर्मली, उसे हम क्या करते हैं साइज रिड्यूस करके उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब जैसे ही हमारा ड्रग अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा, वैसे ही हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एक बाइंडर सोल्यूशन डाल देते हैं। बाइंडर सोल्यूशन मतलब क्या, बाइंडर सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जो ये जो हमारा मिक्सचर होता है पाउडर का, उसे अच्छे तरीके से एक वेट मास में फॉर्म करने के लिए। जैसा कि आपने घर पे देखा होगा, जब हम घर पे आटा को गूंथते हैं तो वो आटे को हम ऐसे तो गूंथते नहीं है रोटी बनाने के लिए, उस आटे के अंदर हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो वो जब घर में हम आटे के अंदर पानी डालते हैं, वो पानी हमारा होता है बाइंडर सोल्यूशन आटे के लिए, रोटी बनाने के लिए। तो जब हम आटे के अंदर पानी डालते हैं, तो जो हमारा आटा पहले पाउडर फॉर्म में था, वो क्या होता है, एक डो फॉर्म में बन जाता है, एक वेट मास में बन जाता है।
तो वैसा ही सेम तरीका हमें यहाँ पे भी करना है। जो भी ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स का मिक्सचर होता है, उस ड्रग एंड एक्सीपिएंट के मिक्सचर के अंदर हमें बाइंडर सॉल्यूशन डालना है। ये बाइंडर सॉल्यूशन ज़्यादा करके पानी होता है। सो हम जैसे ही इसके अंदर बाइंडर सॉल्यूशन डालेंगे, ये पाउडर का जो मिक्सचर है हमारे पास, ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स का जो मिक्सचर है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक वेट मास में। अब हमारे पास जैसे ही ये वेट मास बन जाएगा, एक डो फॉर्म बन जाएगा, उस डो को हम क्या करेंगे, एक सीव के ज़रिए, एक छन्नी के ज़रिए उसे हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से उसके ऊपर रख देंगे और हाथ से हिला हिला के हम क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टेप ख़त्म नहीं होता। ये जो ग्रैन्यूल्स है, अभी भी ये गिल्ला है ग्रैन्यूल्स, ये ड्राई ग्रैन्यूल्स हमें चाहिए होता है, ये अभी भी वेट ग्रैन्यूल्स है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, दिस वेट ग्रैन्यूल्स आर ड्राइड विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग मशीन। आफ्टर ड्राइंग द वेट ग्रैन्यूल्स बिकम ड्राई ग्रैन्यूल्स, दिस ड्राई ग्रैन्यूल्स आर सीव्ड विद द हेल्प ऑफ सीव। आफ्टर सीविंग द ड्राई ग्रैन्यूल्स आर रेडी फॉर कंप्रेशन इन टू टैबलेट्स। सो जैसे ही हमारे पास वेट ग्रैन्यूल्स बन जाता है, उस वेट ग्रैन्यूल्स को हम क्या करते हैं, ड्राइंग प्रोसेस के जरिए वेट ग्रैन्यूल्स को हम ड्राई ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेट ग्रैन्यूल्स है, उसे हम कोई भी ओवन में या फिर कोई भी ड्राइंग मशीन में डाल देते हैं कुछ टाइम के लिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए उसे हम रख देते हैं। अब 10-15 मिनट के बाद हमारा जो वेट ग्रैन्यूल्स पहले था, वो वेट ग्रैन्यूल्स ड्राई ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जैसे ही ड्राई ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, इस ड्राई ग्रैन्यूल्स को हम सीव के ज़रिए फिर से एक बार सीव कर लेते हैं इसे। मतलब जो भी छन्नी होता है, जो भी जाली होता है, उस जाली के ज़रिए हम फिर से ये ड्राई ग्रैन्यूल्स को एकदम अच्छे तरीके से एकदम हम क्या करते हैं, सीव कर लेते हैं। अब जैसे ही हम सीव कर लेंगे, वैसे ही जो हमारा ग्रैन्यूल्स होता है, वो ग्रैन्यूल्स क्या होता है, रेडी हो जाता है एक टैबलेट के फॉर्म में कॉम्प्रेस होने के लिए। दिस रेडी फॉर कंप्रेशन ग्रैन्यूल्स आर मिक्स विथ सम लुब्रिकेंट एंड डिसइंटीग्रेंट्स एंड देन दे आर कंप्रेस्ड टू फॉर्म टैबलेट विद द हेल्प ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन। सो जो भी ग्रैन्यूल्स हमें मिलता है, जो भी ड्राई ग्रैन्यूल्स हमें सीविंग के बाद मिल जाता है, उस ड्राई ग्रैन्यूल्स को हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा लुब्रिकेंट डालते हैं, थोड़ा सा डिसइंटीग्रेंट डालेंगे, और लुब्रिकेंट एंड डिसइंटीग्रेंट डालने के बाद हमारा ये जो ग्रैन्यूल्स है, उसे हम टैबलेट पंचिंग मशीन के ज़रिए अच्छे तरीके से एक टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो होप आपको जो वेट ग्रैन्यूलेशन का प्रोसेस है, वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसे हम एक बार और सिंपल वे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रग को वे किया, ड्रग का वज़न किया जितना हमें चाहिए था। फिर वज़न करने के बाद हमने क्या किया, उस ड्रग एंड एक्सीपिएंट को अच्छे तरीके से ब्लेंड किया, अच्छे तरीके से मिक्स किया। फिर उसके बाद हमने इस मिक्सचर के अंदर बाइंडर सॉल्यूशन डाला। बाइंडर सॉल्यूशन डालने के बाद वो पाउडर का मिक्सचर किस में कन्वर्ट हो गया, वो पाउडर का मिक्सचर एक वेट मास में कन्वर्ट हो गया। ये वेट मास को हमने वेट ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ सीव। ये वेट ग्रैन्यूल्स को हम ड्राइंग के ज़रिए, ड्राइंग प्रोसेस के ज़रिए हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ड्राई ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इस ड्राई ग्रैन्यूल्स को हम क्या करते हैं, सीविंग के मदद से, सीव के मदद से हम क्या कर देते हैं, इसे अच्छे तरीके से छान लेते हैं। ग्रैन्यूल्स हमें और अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉर्म हुआ दिखता है। फिर ड्राई ग्रैन्यूल्स को सीविंग के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर लुब्रिकेंट एंड डिसइंटीग्रेंट डालते हैं। अब जैसे ही इसके अंदर हमने लुब्रिकेंट एंड डिसइंटीग्रेंट डाला, वैसे ही ये ग्रैन्यूल्स क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है कंप्रेशन के लिए। और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस ग्रैन्यूल्स को टैबलेट पंचिंग मशीन के ज़रिए हम टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो होप आपको ये जो कंप्रेशन आफ्टर वेट ग्रैन्यूलेशन है, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट ग्रैन्यूलेशन को देख लेते हैं। कोहेसिवनेस ऑफ पाउडर इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रैन्यूल फॉर्मुलेशन। सो पहला एडवांटेज क्या होता है वेट ग्रैन्यूलेशन का, कि जो कोहेसिवनेस होता है पाउडर के अंदर, वो अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाता है। यानी कि पाउडर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच का जो कोहेसिवनेस होता है, जो अट्रैक्टिवनेस होता है सेम पार्टिकल के बीच के अंदर, वो इंक्रीज हो जाता है ग्रैन्यूल फॉर्मुलेशन की मदद से। तो इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है, कि जो हमारा टैबलेट है ना, वो और अच्छे तरीके से फॉर्म होता है टैबलेट पंचिंग के टाइम पे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इज़ ऑप्टेन। सो वेट ग्रैन्यूलेशन की वजह से हमारा जो कलर हम टैबलेट में यूज़ करते हैं, उसे हम यूनिफॉर्मली और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट ग्रैनुलेशन को देख लेते हैं. इट इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस सिंस लेबर टाइम एंड इक्विपमेंट स्पेस रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई. सो ये जो वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने देखा कि इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. सो इसके वजह से स्टेप्स इंक्रीज हो जाते हैं तो लेबर भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है, इक्विपमेंट मशीन्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जो स्पेस होता है वो भी ज़्यादा चाहिए होता है वेट ग्रैनुलेशन को परफॉर्म करने के लिए. सो इन सब की वजह से ये जो मेथड है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसके अंदर थोड़े से पैसे हमें ज़्यादा देने पड़ते हैं. मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स कैन नॉट बी ग्रैनुलेटेड. सो ऐसे ड्रग्स जो मॉइस्चर सेंसिटिव हैं, वैसे टाइप के ड्रग को हम वेट ग्रैनुलेशन के ज़रिए हम ग्रैनुल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने देखा इसके अंदर हम बाइंडर सोल्यूशन मिलाते हैं, यानी कि वाटर का यूज़ करते हैं हम. सो जब वाटर का यूज़ करते हैं तो ऐसे ड्रग जो वाटर से ख़राब हो जाएं, तो वैसे ड्रग को हम ग्रैनुल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हम कंप्रेशन आफ्टर ड्राई ग्रैनुलेशन को देख लेते हैं. ड्राई ग्रैनुलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए स्लगिंग, डबल कंप्रेशन और रिकम्प्रेशन. दिस मेथड इज़ यूज व्हेन अ टैबलेट इंग्रेडिएंट आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर और द इंग्रेडिएंट्स आर हीट सेंसिटिव ड्यूरिंग ड्राइंग एंड ऑल्सो फॉर द इंग्रेडिएंट विच आर नॉट कॉम्प्रेस्ड डायरेक्टली. सो ड्राई ग्रैनुलेशन को हम स्लगिंग भी बोलते हैं, इसे हम डबल कंप्रेशन भी बोलते हैं, या फिर हमें इसे रिकम्प्रेशन भी बोलते हैं. तो ये तीनों नाम आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि ड्राई ग्रैनुलेशन का मेथड बताइए मुझे, या फिर ड्राई ग्रैनुलेशन के जगह स्लगिंग पूछ सकते हैं, या फिर डबल कंप्रेशन बोल देंगे कि आपको डबल कंप्रेशन का मुझे प्रोसेस बताइए, या फिर रिकम्प्रेशन का प्रोसेस बताइए. तो आपको ये तीनों चारों जो नाम है वो आपको क्लियर होने चाहिए कि तीनों चारों नाम का मतलब एक ही होता है. इन तीनों चारों नाम में से अगर कोई भी नाम आया एग्ज़ाम में तो मुझे क्या करना है, ड्राई ग्रैनुलेशन के मेथड को ही यहाँ पे लिखना है. ये मेथड से हम टैबलेट प्रोड्यूस करते हैं. सो ऐसे ड्रग्स जो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोफोबिक इन नेचर हो, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो पानी से ख़राब हो जाएँ, या फिर ऐसे ड्रग जो हीट से ख़राब हो जाए, बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव हो, तो ऐसे टाइप के ड्रग्स को, या फिर ऐसे ड्रग जो इजीली कॉम्प्रेस नहीं हो पाते हैं, डायरेक्टली कॉम्प्रेस नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे ऐसे ड्रग्स को हम क्या करते हैं, ड्राई ग्रैनुलेशन के ज़रिए हम ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट हम ड्राई ग्रैनुलेशन का प्रोसेस देख लेते हैं. द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्विंग इन ड्राई ग्रैनुलेशन इज़ वेइंग, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ ऑल द इन्ग्रीडियंट्स. देन द इन्ग्रीडियंट्स आर सीव्ड विद द हेल्प ऑफ सीव. तो पहला स्टेप ड्राई ग्रैनुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी ड्रग को हमें टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उस ड्रग को, उस एक्सीपिएंट्स को हम अच्छे तरीके से पहले उसका वज़न कर लेते हैं जितना हमें चाहिए होता. फिर हम क्या करते हैं, उस वज़न किए हुए ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, अच्छे तरीके से उसे ब्लेंड कर देते हैं. और जैसे ही हमारा ड्रग अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा, वैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हम सीव के वजह से अच्छे तरीके से इसको सीव कर लेते हैं, सीविंग कर लेते हैं इसका. अब सीविंग से होता क्या है कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मली हो जाता है, एक यूनिफॉर्म पार्टिकल हमें मिलता है. तो इसकी वजह से सेकेंड स्टेप जो सीविंग है वो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. द सीव इन्ग्रीडियंट आर देन कॉम्प्रेस इन टू द फॉर्म ऑफ स्लग एंड द स्लग्स आर मिल्ड टू फॉर्म ड्राई ग्रैन्यूल्स. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इंग्रेडिएंट सीव होके बाहर निकलता है, उस इंग्रेडिएंट को हम कॉम्प्रेस कर देते हैं दो रोलर के मदद से. जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इस दो रोलर की मदद से हम कॉम्प्रेस कर लेते हैं. और कॉम्प्रेस करने के बाद हमें क्या देखने मिलता है कि एक स्लग फॉर्म हो रहे. ये स्लग क्या होते हैं, एक लार्ज पार्टिकल बन जाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं यहाँ पे जो भी मिक्सचर होते हैं ड्रग के. अब ये जो स्लग होता है, इस स्लग को हम क्या करते हैं, इस स्लग को हम काटते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम कटिंग करते हैं. अब कटिंग करने के बाद, मिलिंग करने के बाद, हमारा जो ड्राई ग्रैन्यूल्स है वो फॉर्म हो जाता है यहाँ पे. सो होप आपको जो कंप्रेशन आफ्टर ड्राई ग्रैन्यूलेशन का प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा. इसे हम एक बार फिर से सिंपल वे में देख लेते हैं. पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहले हम वेइंग करते हैं. जो भी ड्रग्स हमें चाहिए होता है, जो भी ड्रग्स को हमें टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उस ड्रग को हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से वे कर लेते हैं, वज़न कर लेते हैं.
वजन करने के बाद उस ड्रग को हम मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से उसे ब्लेंड कर लेते हैं, उसका साइज़ अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म कर लेते हैं। ब्लेंडिंग के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसे हम सीविंग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सीव। सीव के मदद से उसे अच्छे तरीके से हम उसका साइज़ एकदम यूनिफॉर्मली कर देते हैं। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट सीव होके बाहर निकलता है उस इंग्रेडिएंट को हम कॉम्प्रेस कर लेते हैं, एक स्लग में बना लेते हैं। और इस स्लग को हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से इस स्लग को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं कटिंग के प्रोसेस के वजह से, और हमारा जो ड्राई ग्रैनुल्स है वो फॉर्म हो जाता है। और ये जो ड्राई ग्रैनुलेशन का जो मेथड होता है, इसे हम एक अलग मशीन से भी परफॉर्म करते हैं जिसे हम चेल सोनेटर के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं चेल सोनेटर। इसके अंदर हम करते क्या है, ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ये हॉपर के ज़रिए हम ड्रग्स को डालते हैं, मिक्स हुए ड्रग को हम इसके अंदर डालते हैं। वो ड्रग क्या होता है, ये रोडर के मदद से स्लग में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो स्लग है, ये स्लग जो अंदर आपको हैमर मिल दिख रहा है, ये मिल के ज़रिए, ये कटर मिल के ज़रिए ये क्या होता है, अच्छे तरीके से छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमें फाइनल स्टेप में ग्रैन्यूल्स, ड्राई ग्रैन्यूल्स यहाँ पे बन के मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन को देख लेते हैं। हीट सेंसिटिव ड्रग्स कैन बी कॉम्प्रेस्ड। सो ऐसे ड्रग जो कि हीट सेंसिटिव हैं, जो जिन्हें हीट से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो हीट से नुकसान हो जाते हैं ड्रग, वैसे ड्रग को हम अच्छे तरीके से कॉम्प्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन। रिक्वायर लेस स्पेस एंड इक्विपमेंट। सो ड्राई ग्रैनुलेशन को बहुत ही ज़्यादा लेस स्पेस लगता है, तो इसके वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस थोड़ा सा इकोनॉमिकल बन जाता है। ड्राइंग प्रोसेस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ड्राइंग प्रोसेस है वो ड्राइंग प्रोसेस एलिमिनेट हो गया है, तो इसके वजह से भी क्या होता है, ये प्रोसेस एक थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो जाता है। टाइम रिक्वायर्ड इज़ ऑल्सो लेस। जो भी टाइम रिक्वायरमेंट होती है ड्राई ग्रैनुलेशन के लिए वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू वेट ग्रैनुलेशन। सो नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन को देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज़ वेरी डस्टी ऑपरेशन। तो ये जो ड्राई ग्रैनुलेशन का प्रोसेस है ये थोड़ा डस्टी ऑपरेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट यहाँ पे फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो जो यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ जाता है। जैसे कि हमने वेट ग्रैनुलेशन में देखा था, वेट ग्रैनुलेशन में जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैबलेट्स के अंदर, ग्रैनुल्स के अंदर, वो अच्छे तरीके से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम देखने मिलता है। नेक्स्ट हम टैबलेट कॉम्प्रेशन को देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि जो ड्रग है उसे हम ग्रैन्यूल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी हमने देखना है कि जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो पाउडर होते हैं, उसे हम टैबलेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, किस मशीन के हेल्प से हम उस टैबलेट को कन्वर्ट करते हैं। सो द ग्रैन्यूल्स आर कॉम्प्रेस्ड इनटू टैबलेट्स बाय यूजिंग अ मशीन विच इज़ कॉल्ड एज टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन और टैबलेट पंचिंग मशीन। तो जो भी ग्रैन्यूल्स हमें ड्राई ग्रैनुलेशन में बनते हुए दिखा, वेट ग्रैनुलेशन में बनते हुए दिखा, उस ग्रैन्यूल्स को हमें कन्वर्ट करना होता है टैबलेट में। सो ये जब हम कोई भी ग्रैन्यूल्स को टैबलेट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम एक मशीन का यूज़ करते हैं किसी भी ग्रैन्यूल्स को टैबलेट में कन्वर्ट करने के लिए, और इसी मशीन को हम बोलते हैं टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन। तो वैसे तो हमारे पास बहुत टाइप के मशीन होते हैं, अलग अलग टाइप के बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, छोटे छोटे मशीन्स भी होते हैं, जिनके मदद से हम कोई भी ग्रैन्यूल्स को, कोई भी पाउडर को अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं एक टैबलेट में। लेकिन यहाँ पे हमें दो टाइप के मशीन के बारे में पढ़ना है। पहला होता है सिंगल पंच टैबलेट मशीन, और दूसरा हमें पढ़ना है रोटरी टैबलेट मशीन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछते ही पूछते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल पंच टैबलेट मशीन को देख लेते हैं। तो सिंगल पंच टैबलेट मशीन, इसका पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सो सिंगल पंच टैबलेट मशीन के अंदर टोटल पांच मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हॉपर, दूसरा होता है डाइस, तीसरा होता है पंचेस, चौथा होता है कैपेसिटी रेगुलेटर, एंड लास्ट होता है इजेक्टर रेगुलेटर। तो एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। फर्स्ट हॉपर एंड हॉपर शू, दिस इज़ यूज फॉर होल्डिंग एंड फीडिंग द ग्रैन्यूल्स टू बी कॉम्प्रेस्ड। सो जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये डायग्राम में जो यहाँ वाला हिस्सा है, ये वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, हॉपर शू, या फिर इसे हम हॉपर भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है ये हॉपर का, कि जो भी ग्रैन्यूल्स को हमें कॉम्प्रेस करना है और टैबलेट में कन्वर्ट करना है, वो ग्रैन्यूल्स को, उस पाउडर को, हम ये हॉपर शू के अंदर ही रखते हैं।
तो ये हॉपर शू क्या करता है, रिबोसोम ग्रैन्यूल को स्टोर करने के लिए काम करता है, और जब जब ग्रैन्यूल्स को हमें टैबलेट में कन्वर्ट करना है तब तब वो ग्रैन्यूल्स ये हॉपर शू में से बाहर निकलता है। नेक्स्ट होता है डाइस। सो डाइस डिफाइन द साइज एंड शेप ऑफ टैबलेट्स। सो डाइस, जैसा कि आपको ये जो बीच में गैप दिख रहा है, ये गैप को ही हम बोलते हैं डाइस। सो ये जो डाई होता है, ये डाई का क्या काम होता है, ये किसी भी टैबलेट की साइज एंड शेप को डिटरमाइन करता है। डाइस का सिंपल मतलब क्या होता है, कोई भी ढांचा। सो ढांचा का यूज़ हम क्यों करते हैं, अलग अलग मटेरियल को शेप देने के लिए। सो वैसे ही यहाँ पे भी ये जो डाइस है, ये डाइस क्या करता है, जो भी टैबलेट होते हैं उनका साइज़ डिटरमाइन करता है कि वो टैबलेट बड़े होने चाहिए कि छोटे होने चाहिए, और जो शेप होता है टैबलेट का वो भी डिटरमाइन करता है ये डाइस। नेक्स्ट होता है पंचेस। टू पंचेस आर प्रेजेंट, दैट इज अपर पंच एंड लोअर पंच। दे आर यूज टू कॉम्प्रेस द ग्रैन्यूल्स विद इन द डाई टू फॉर्म टैबलेट्स। सो हमारा जो सिंगल पंच टैबलेट मशीन है, यहाँ पे दो टाइप के दो पंच प्रेजेंट होते हैं, पहला होता है लोअर पंच और दूसरा होता है अपर पंच। तो इनका काम क्या होता है कि जो भी ग्रैन्यूल्स डाइस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन ग्रैन्यूल्स को ये दोनों पंच क्या करते हैं, अच्छे तरीके से दबा देते हैं, अच्छे तरीके से कॉम्प्रेस कर देते हैं, और यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, टैबलेट देखने मिलता है जब ये अच्छे तरीके से कॉम्प्रेस कर देते हैं किसी भी ग्रैन्यूल्स को। नेक्स्ट हमें देखना है कैपेसिटी रेगुलेटर को। कैपेसिटी रेगुलेटर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रैन्यूल्स टू बी फिल्ड इन टू द डाइस। सो कैपेसिटी रेगुलेटर क्या करता है, इनका बस यहाँ पे एक ही काम होता है कि जो ग्रैन्यूल्स है, कितना ग्रैन्यूल्स, कितने अमाउंट ऑफ ग्रैन्यूल डाइस के अंदर भरने चाहिए, वो डिटरमाइन करता है कैपेसिटी रेगुलेटर। सो यहाँ पे कैपेसिटी रेगुलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, कि जैसे कि अगर मुझे टैबलेट 500 mg का चाहिए, 100 mg का चाहिए, 10 mg का चाहिए, 20 mg का चाहिए, तो ये डिटरमाइन करता है कैपेसिटी रेगुलेटर। हम कैपेसिटी रेगुलेटर के वजह से ही जो टैबलेट का वेट है, जो वजन है, वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इजेक्टर रेगुलेटर। इजेक्टर रेगुलेटर कंट्रोल द पोजीशन ऑफ लोअर पंच एंड हेल्प इट फॉर इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द डाई। सो इजेक्टर रेगुलेटर, ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एकदम लोअर पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। इजेक्टर रेगुलेटर करता क्या है कि जो लोअर पंच होता है, लोअर पंच का डायरेक्शन एंड इनका जो पोजीशन होता है उसे ये रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो भी टैबलेट फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे हमारे पंचिंग के बाद, वो टैबलेट को इस मशीन में से बाहर निकालने के लिए ये जो इजेक्टर रेगुलेटर है वो मदद करता है। सो होप आपको जो कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं टैबलेट पंचिंग मशीन में, सिंगल पंच टैबलेट मशीन के अंदर, वो समझ गए होंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर है। नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ सिंगल पंच टैबलेट मशीन को देख लेते हैं। द अपर पंच विल मूव टू इट हाइस्ट पोजिशन एंड लोअर पंच विल मूव टूवर्ड्स द लोएस्ट पोजिशन। द हॉपर शू कम ओवर द डाई एंड फिल द डाई विद द ग्रैन्यूल्स। द शू विल गो बैक एंड देन द अपर पंच विल गोज डाउन एंड लोअर पंच विल रेज। द ग्रैन्यूल्स बिटवीन द टू पंचेज विल कॉम्प्रेस इन टू द टैबलेट्स। द अपर पंच एंड लोअर पंच विल गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन। दिस साइकिल विल कंटिन्यू इन सिमिलर मैनर टिल द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ टैबलेट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे वर्किंग होता क्या है इसका, कि जो अपर पंच होता है और जो लोअर पंच होता है, ये पहले क्या होते हैं, पहले स्टेप में एकदम ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो अपर पंच होता है वो एकदम ऊपर हो जाता है, और जो लोअर पंच होता है वो एकदम नीचे आ जाता है। तो इसकी जैसे ही ये अपर पंच ऊपर जाता है और लोअर पंच नीचे जाता है, वैसे ही क्या होता है कि जो भी हॉपर शू है, वो हॉपर शू यहाँ पे आ जाता है लोअर पंच के ऊपर। अब जैसे ही लोअर पंच के ऊपर आ जाता है, वैसे ही क्या करता है, जो भी हॉपर शू के अंदर जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो ग्रैन्यूल्स यहाँ डाई के अंदर यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही डाइस के अंदर हॉपर शू के अंदर से ग्रैन्यूल्स आके यहाँ पे फीड हो जाएंगे, ये क्या होता है, हॉपर शू वापस अपने पोजीशन पे चले जाता है। अब होता क्या है, ग्रैन्यूल्स डाइस के अंदर आ चुके हैं, अब इसके बाद क्या होता है, जो अपर पंच होता है वो नीचे आ जाता है, और जो लोअर पंच होता है वो थोड़ा सा ऊपर चले जाता है, और इन दोनों के क्लोज आने के वजह से जो इन दोनों के बीच का जो मटेरियल है, जो ग्रैन्यूल्स है, वो प्रेशर के वजह से बन जाता है एक टैबलेट फॉर्म में। तो जो भी प्रोसेस हमने देखा, ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमें डिज़ायरेबल टैबलेट ना मिल जाए। जैसे कि अगर मुझे 100 टैबलेट बनाने हैं, तो वो 100 टैबलेट जब तक बनता नहीं है, तब तक मैं ये सेम प्रोसेस करते रहूँगा।
सो आपको ये एनिमेशन में दिख रहा होगा कि कैसे एक सिंगल पंच टैबलेट मशीन काम करता है। सो होप आपको जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है सिंगल पंच टैबलेट मशीन का वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम रोटरी टैबलेट मशीन को देख लेते हैं। सो रोटरी टैबलेट मशीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी स्टेशन। इट इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल इकोनॉमिक प्रोडक्शन। दिस मशीन प्रोड्यूस अराउंड 1200 टैबलेट्स इन अ मिनट। सो रोटरी टैबलेट मशीन ये एक ऐसे टाइप का मशीन होता है जिसे हम मल्टी स्टेशन मशीन भी बोलते हैं। ये मशीन लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैबलेट प्रोड्यूस करने हैं तो वो हम क्या कर सकते हैं, रोटरी टैबलेट मशीन से ही अचीव कर सकते हैं। ये जो मशीन होता है रोटरी टैबलेट मशीन, ये तकरीबन एक मिनट में 1200 टैबलेट प्रोड्यूस करने का इसके अंदर कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटरी टैबलेट मशीन को देख लेते हैं। टू सेट्स ऑफ रोलर आर प्रेजेंट, दैट इज़ द अपर रोलर एंड लोअर रोलर। सो जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे दो रोलर प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाले रोलर को हम अपर रोलर बोलते हैं एंड नीचे वाले रोलर को हम लोअर रोलर बोलते हैं। देर इज़ अ फीड फ्रेम टू फीड द ग्रैन्यूल्स इन टू द डाई। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं फीड फ्रेम। ये फीड फ्रेम क्या करता है, ये फीड फ्रेम के अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये फीड फ्रेम की वजह से ही जो डाइज होती हैं, ये जो डाइज होती हैं यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ग्रैन्यूल्स यहाँ पे फील होना चालू हो जाता है। टैबलेट स्ट्रिपर यूनिट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट वन पोजिशन विच हेल्प्स टू रिमूव द टैबलेट आफ्टर कॉम्प्रेशन। सो यहाँ पे एक पोजिशन पे टैबलेट स्ट्रिपर यूनिट प्रेजेंट होता है। ये टैबलेट स्ट्रिपर यूनिट करता क्या है कि जो भी टैबलेट कॉम्प्रेशन के बाद फॉर्म हो जाते हैं वो टैबलेट को इस रोटरी टैबलेट मशीन से बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ रोटरी टैबलेट मशीन को देख लेते हैं। द फीड फ्रेम फीड्स द ग्रैन्यूल्स इनटू द डाइस। द अपर पंच इज ऑन द हाईएस्ट पोजीशन एंड द लोअर पंच इज एट द लोअर पोजीशन। आफ्टर ग्रैन्यूल आर फील इन द डाइस बोथ द पंचेस कम इन कॉन्टैक्ट विद द रोलर। द रोलर स्टार्ट्स टू रोटेट एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन दिस अपर एंड लोअर पंच कम क्लोज टू ईच अदर एंड द ग्रैन्यूल्स बिटवीन देम गेट कॉम्प्रेस्ड इन टू द फॉर्म ऑफ टैबलेट। दिस होल प्रोसेस रिपीट टिल डिजायर्ड नंबर ऑफ टैबलेट प्रोड्यूसेस। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ ईच टैबलेट द टैबलेट गेट रिमूव फ्रॉम द मशीन बाय टैबलेट स्ट्रिपर यूनिट विच इज प्रेजेंट एट वन पोजिशन। सो रोटरी टैबलेट मशीन के अंदर जो वर्किंग होता है इसके अंदर हमें क्या देखने मिलता है कि जो भी फीड फ्रेम है, यानी कि जो फ्रेम जिसके अंदर से हम ग्रैन्यूल्स पास करवाते हैं, ये फीड फ्रेम की वजह से हर एक टाइप के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो ग्रैन्यूल्स डाइस के अंदर आके बैठ जाते हैं, फील हो जाते हैं। अब जैसे ही डाइस के अंदर फील हो जाते हैं या यहाँ पे आके ग्रैन्यूल्स, वही टाइम पे हमें क्या देखने मिलता है कि जो अपर पंच है वो एकदम ऊपर वाले पोजिशन पर रहता है और जो लोअर पंच है वो नीचे वाले पोजिशन पर रहता है। अब जैसे ही यहाँ पे डाइस के अंदर हमारा ग्रैन्यूल्स फील हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, जो ये अपर पंच एंड लोअर पंच है ये रोलर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जो भी इनके आजू बाजू में जो भी रोलर होते हैं उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं ये। अब जैसे ही ये रोलर के कांटेक्ट में आते हैं तो जो रोलर है वो रोटेट होने लगता है। अब जब जैसे ही रोलर रोटेट होता है उसी के वजह से ये जो अपर पंच एंड लोअर पंच है ये क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आना चालू करते हैं। अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आना चालू करेंगे वैसे ही क्या होगा कि इनके बीच का जो मटेरियल होता है, जो ग्रैन्यूल्स होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है टैबलेट्स के फॉर्म में। और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमें नंबर ऑफ टैबलेट, जितना मुझे टैबलेट चाहिए होता है वो बन ना जाए। अगर मुझे 20,000 टैबलेट बनाने हैं तो जब तक 20,000 टैबलेट बन नहीं जाता तो ये सेम साइकिल जो है, ये सेम प्रोसेस जो है, मैं वो रिपीट करता रहूँगा। तो जैसे ही मेरा टैबलेट कंप्रेशन के बाद रेडी हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, वो हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक पोजीशन पे टैबलेट स्ट्रिपर यूनिट होता है, वो टैबलेट स्ट्रिपर यूनिट के ज़रिए हम उस टैबलेट को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं रोटरी टैबलेट मशीन के वजह अंदर से। तो आप ये एनिमेशन में देख सकते हैं कि कैसे एक रोटरी टैबलेट मशीन काम करता है अच्छे तरीके से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और इस पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।